हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्वेरियस के लिए देख रहे हैं कि उनकी लव लाइफ दिसंबर के मंथ में कैसे रहने वाली है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ऑफिशियल पर्सन, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स और थ्री ऑफ वंड्स। काफ़ी कुछ मैसेजेस आए हैं आप लोगों की लव लाइफ को लेके। फर्स्ट अगर हम देखें तो आपके पर्सन वाटर साइन भी हो सकते हैं और फायर साइन भी हो सकते हैं। जो सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए पहले बता रही हूँ, काफ़ी रोमांटिक होंगे ये। और चाहे इनका जॉब एरिया ऐसा हो सकता है कि वो इस तरह की पर्सनालिटी के हों जो आर्मी, पुलिस या ऐसी किसी जॉब को करते हों जहाँ काफ़ी हाई रिपोर्टेड जॉब्स हो सकते हैं। चाहे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है ये। जो सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए ऐसे लाइफ पार्टनर आ सकते हैं या आपको ऐसे पार्टनर मिल सकते हैं। और नंबर 22 आया है तो नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंस रखेगा। और ये वो डेट हो सकती है जब आप लोग मिलें, या ये उनका बर्थडे डेट हो सकता है, या ये उनका मूलांक भी हो सकता है। और वहीं स्ट्रेंथ का शो कर रहा है कि ये लियो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। और नाइट ऑफ कप्स काफ़ी क्रिएटिव और रोमांटिक पर्सन है। चाहे बाहर से ये थोड़े सख्त दिखते हैं या ऐसा लग सकता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इनमें काफ़ी ज़्यादा है, पर आपके साथ ये काफ़ी ईजी गोइंग रहने वाले हैं। और ये बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं, जहाँ अभी देख रहे हैं थ्री ऑफ वंड्स का कार्ड भी आया है। और ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में, ऐसा भी लग रहा है। वहीं ये काफ़ी गिविंग है, काइंड पर्सन है। जो भी सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए है ये कि आपके ऐसे पर्सन अप्रोच कर सकते हैं जो काफ़ी गिविंग नेचर के हैं, काइंड नेचर के हैं। और स्ट्रेंथ कार्ड काफ़ी गिविंग नेचर को शो करता है कि एक पर्सन जो अपनी लिमिट से भी आगे जाके दूसरों के लिए काफ़ी कुछ करने वाले पर्सन हैं। और काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन है ये। और इन लोगों को ये कह सकते हैं कि आप ये एनजीओस में काम करने वाले भी कोई हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। और काफ़ी गुड लुकिंग पर्सन है। नाइट ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ कार्ड में आप देख ही रहे हैं, अगर ये गर्ल हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, और अगर बॉय हैं तो हैंडसम हैं। और इनके अगर देखा जाए तो इनके बाल काफ़ी खूबसूरत होंगे, चाहे गर्ल हैं या बॉय हैं, इस तरह से आप उन्हें पहचान सकते हैं। और फेशियल फीचर भी काफ़ी शार्प हो सकते हैं। और स्किन का कलर तो जहाँ मीडियम हो सकता है इनका। और आप इनसे काफ़ी जल्द मिलें, ऐसा भी पॉसिबल है। और अपने काम के थ्रू मिलें, ये भी पॉसिबल लग रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ वंड्स का कार्ड आया है जो वर्क एरिया से रिलेट करता है। तो आप ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लोग एक दूसरे से वर्क के थ्रू मिलें। और अगर जो मैरिज प्रपोजल के लिए देख रहे हैं उनके लिए तो ये है ही कि वो ऐसी किसी जॉब से हो सकते हैं जहाँ कानून बनाए जाते हैं या यूनिफॉर्म होती है, जैसे पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऐसा कुछ हो। या एनजीओज में काम करने वाले भी हो सकते हैं या टीचिंग लाइन भी हो सकती है आप दोनों में से एक की। और फ़ोन नंबर आपको बताया ही है कि आपके लिए काफ़ी मायने रखेगा। और 22 वो डेट हो सकती है जब आप लोग मिले। तो आप लोगों के लिए तो ये है कि आपको ऐसे पार्टनर अप्रोच कर सकते हैं। और ये बाहर से आपको हो सकता है शुरू में दिखने में ऐसा लगे कि ये थोड़े कोड लगे बिहेव से, कि ये काफ़ी सख्त हैं या थोड़े से इगोइस्टिक भी लग सकते हैं शुरू में आपको, पर ये ऐसे हैं नहीं। और ये चीज़ आप जान ही जाएंगे आगे जो आपको अप्रोच करेंगे इस मंथ में। उनके लिए ये बता रही हूँ जो सिंगल्स है फर्स्ट उनके लिए। तो आप थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सोचिएगा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इस तरह से बनाया है ताकि ये जिसे कह सकते हैं मेच्योरिटी लेवल पे हैं। और ये सबके साथ अपने इमोशन शेयर करने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं है। तो इन्हें पहले ये देखेंगे और उसके बाद काफ़ी सोचने विचारने के बाद आगे बढ़ने वाले लोगों में से हैं, चाहे ये गर्ल हों या बॉय हों, जिसके लिए भी आप ये देख रहे हैं। तो ये काफ़ी सोच विचार के आगे बढ़ने वाले पर्सन हैं और इसीलिए ये अपनी लाइफ में भी काफ़ी सक्सेसफुल हैं। चाहे इनका जॉब हो या इनका पर्सनल रिलेशनशिप अगर आपके साथ होगा तो ये उसको काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। ये उन लोगों में से नहीं है जो टेम्प्रेरी इश्यूज़ या टेम्प्रेरी रखते हों किसी रिलेशनशिप को, ये उस उन तरह के लोगों में से बिल्कुल नहीं है। ये कमिटमेंट देने वालों में से हैं और इन लोगों के फ्रेंड्स लाइफ टाइम के लिए होते हैं और इन लोगों के रिलेशनशिप भी आगे तक मेंटेन रहने
या जिसे कहते हैं कमिटमेंट तक पहुंचाने वाले लोगों में से हैं, तो ये थोड़ा हो सकता है कि टाइम लें, और इसके लिए है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, और वैसे आप रखेंगे भी, पेशेंस आप लोगों में है ही, जैसा कुछ आपकी एनर्जीज भी यहाँ दिख रही है। और स्ट्रेंथ का ये है कि काफ़ी इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ये चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, इनका प्रोफेशन भी ऐसा ही है, और अगर प्रोफेशन ऐसा नहीं भी है तो ये इन्होंने काफ़ी चैलेंजेस काफ़ी कम उम्र में फेस किए हैं। हो सकता है ये वो लोग हों जो अपनी फैमिली में सबसे बड़े हों, और इन्होंने काफ़ी कम एज में ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई है, और इस चीज़ के लिए ये काफ़ी यूज्ड टू हो गए हैं, और इन्हें अब जिसे कह सकते हैं कि आप इन्हें फियर या एंजाइटी इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, काफ़ी बोल्ड पर्सनैलिटी के हैं, और चुनौतियों का बहुत आसानी से सामना करने वाले लोगों में से हैं, और बहुत हिम्मत वाले पर्सन हैं, चाहे गर्ल हैं या बॉय, और इनमें काफ़ी विल पावर इनकी काफ़ी है, और ये काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी के हैं, और ऐसा है ही कि इमोशनली काफ़ी स्टेबल पर्सन हैं, और ये दूसरों को भी सपोर्ट सिस्टम, जब अगर इनके साथ जो भी लोग जुड़े हैं, चाहे इनके फ्रेंड्स हों या फैमिली हों या आप होंगे, तो उनको ये पूरा इमोशनली सपोर्ट देने वाले लोगों में से हैं, और ये हर वक्त खड़े रहते हैं जिनके साथ भी ये कमिटेड होते हैं, चाहे वो इनका कैसा भी रिलेशनशिप हो या इनका वर्क एरिया हो, इनके कलीग्स हों, इनके फ्रेंड्स हों या आप होंगे, अगर कुछ लोग लाइफ पार्टनर के रूप में, जैसे है कि ये लोग, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की शादी इस तरह के पर्सन से फिक्स हों, तो ये काफ़ी लॉयल पर्सन है और चीटिंग करने वाले लोगों में से नहीं है, और बाहर से ये दिख सकते हैं कि थोड़े सख्त दिखे, पर ये अंदर से काफ़ी नाइट ऑफ कप्स एनर्जी के हैं, रोमांटिक हैं, और इन्हें क्रिएटिविटी काफ़ी पसंद है, और घूमना भी इन्हें पसंद हो सकता है, इस तरह के पर्सन हैं, और अपने जब ये इमोशन शेयर करेंगे तो आप इस चीज़ को जान ही जाएंगे। तो आप लोगों के लिए था, और जो ऑलरेडी कमिटेड हैं और किसी अपने पार्टनर के साथ, उनका टाइम काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है, जिस तरह की पर्सनैलिटी की मैंने कुछ बताए थे अभी, उस तरह की पर्सनैलिटी इस बार इनकी रहने वाली है, काफ़ी आपको सपोर्ट करने वाले हैं, और आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलने वाला है उनके साथ, और काफ़ी गिविंग नेचर रखेंगे आपके पार्टनर आपके साथ, जो कमिटेड हैं और जो लाइफ पार्टनर हैं अगर आपके साथ, या आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपको काफ़ी सपोर्ट देंगे, और इमोशंस काफ़ी शेयर करने वाले हैं, और आप लोगों की लाइफ काफ़ी अच्छी और ईजी चलने वाली है, यहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं आई है। कुछ लोग, हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर बाहर रहते हैं तो वो आप तक आएँ या आप उन तक जाएँ, ऐसा भी पॉसिबल लग रहा है, और वो इस बार इस तरह की एनर्जी में होंगे कि आपको इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। हाँ, थ्री ऑफ वंड्स का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि उनका जो भी जॉब एरिया हो वो भी काफ़ी अच्छा चलेगा, तो उस चीज़ से उनका माइंड सेट काफ़ी रिलैक्स रहेंगे, वो जो उनके अंदर ही काफ़ी आपको आपका पक्ष रखने की भी हिम्मत होगी इस बार, और इस तरह की पर्सनैलिटी होगी कि वो आपको काफ़ी सपोर्ट देते हुए दिखेंगे इस मंथ में। और हो सकता है आप लोग में से कोई, अगर आप जॉब वगैरह के लिए देख रहे हैं तो आप में से आपकी लाइफ पार्टनर जो हैं वो, हो सकता है किसी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को भी पाएं, और ये क्योंकि यहाँ ऑफिशियल पर्सन का आया है, तो हो सकता है आप या वो दोनों में से कोई ऐसा बिग अचीवमेंट भी हो आप लोगों के लिए, क्योंकि लव लाइफ में आया है कार्ड, तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए भी 22nd काफ़ी मायने रखेगा, और आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथ चलने वाला है, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व हो जाएगी, और वैसे कोई प्रॉब्लम यहाँ आई नहीं है, तो कोई ऐसी इशू नहीं होने वाला है। और ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी गिविंग नेचर रखें और थोड़ा एक्सेप्ट भी करें वो, और शायद अभी तक वो अगर शो नहीं करते हैं तो आपको वो शो करेंगे अपने इमोशंस, और काफ़ी उनका ध्यान आपकी तरफ काफ़ी होगा इस बार आपके पार्टनर का, और वो इसको लेकर वो कुछ अच्छे ऐसे आपके लिए काफ़ी कुछ करने वाले हैं। इवन हो सकता है कि वो, जैसा मैंने बताया है कि कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो वो आपके पार्टनर आपसे बहुत जल्दी मिलने आए या आप उन तक जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी लग रही है। और इस बार आप लोगों के लिए ये है कि एक अगर मैसेज
कहा जाए तो नाइट ऑफ कप्स थोड़ा इमोशनल होने का भी है कि आप में से कोई एक पर्सन अगर इमोशनली वीक फील करेंगे तो दूसरे उनको सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों के लिए ये भी बहुत ही अच्छा होगा कि जहाँ किसी एक पार्टनर को अगर इमोशनली कहीं लो फील होगा तो दूसरे पार्टनर उनको इमोशनली स्टेबल होने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और आप लोगों का रिश्ता काफ़ी स्मूथ चलने वाला है, आप काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स भी हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो एनर्जी है वो इसी तरह की है। और आप लोग ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ऐसे किसी आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ वाटर एनर्जी भी काफ़ी है, तो ऐसा भी है कि आपके पर्सन या आप जो सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए है कि वो वाटर साइन भी हो सकते हैं और स्टैंड कार्ड लियो को शो कर रहा है तो वो फायर साइन भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप उन्हें पहचान सकते हैं। और यहाँ कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं आया था तो ऐसा लग रहा है कि शायद जिन लोगों के लिए ऐसा कोई परेशानी नहीं थी तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अगर जिन लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम थी या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कोई कम्युनिकेशन ब्रेक था या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी तो उन लोगों के भी वो प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व होगी, क्योंकि आपके पार्टनर आपको काफ़ी समझ रहे हैं और सपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी देते हुए दिख रहे हैं। तो और उस चीज़ के लिए वो ट्रेवल करके आएंगे, अब तक ऐसा भी पॉसिबल लग रहा है। और काफ़ी गिविंग और काइंड नेचर रहेगा उनका इस बार, स्ट्रेंथ कार्ड ये शो कर रहा है और काफ़ी केयर करने वाले हैं आपकी इस मंथ में, ऐसा भी शो हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो उसके सॉल्व होने के काफ़ी चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। और आपको यही है कि थोड़ा इमोशनली स्टेबल रहना चाहिए और थोड़ा अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसके लिए आप वेट करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों के लिए यही रीडिंग थी, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।